रशीद फाउंडेशन से एमपी अब्दुल रशीद एंड श्री सैयद बिस्वास से कृपया मंच पर पधारे सर। सर, कदमों की तीव्रता हमें बढ़ानी होगी, इस तरह सबका सम्मान करना है, समय क्योंकि गरिमा है। राशन रशीद फाउंडेशन से एमपी अब्दुल रशीद और श्री सैयद बिस्वास से आगे तैयार है। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार, उस आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। आज हम आपको बताएंगे हमारे दीप समूह से एक एनजीओ जो कोविड के समय काफी चर्चित था, उसके बाद तो अब हर जगह उन्हीं का नाम है। हम बात करते हैं राशन रशीद फाउंडेशन की। तो राशन रशीद फाउंडेशन द्वारा जो है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डे जो कि कल था, और इसी उपलक्ष में जो है राजस्थान जयपुर में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार से राशन रशीद फाउंडेशन के तरफ से एमपी अब्दुल रशीद जी और उनके सहयोगी जो है सैकेत बिस्वास जी, इन दोनों को जो है वहाँ पर सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके तरफ से डीजी साहब के तरफ से जो है इन्हें सम्मानित किया गया। और ये हमारे लिए जो है बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो है रशीद जी को सम्मानित किया गया। हमारे पास कुछ वीडियोस है और उन्हें जो है स्पीच देने का मौका भी मिला इसी विषय पर। उसके साथ साथ जैसा हमने डीजी साहब का नाम लिया था, उनके द्वारा ही उन्हें जो है फेलिसिटेट किया गया। हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं, कोविड के समय, जी हाँ कोविड के समय राजस्थान में राजस्थान से एक कॉल आया था और हमें ये चीज़ के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि न्यूज़ भी हमने कवर किया था। उस समय राजस्थान में जो है लोग काफ़ी परेशान थे, उन लोगों के लिए जो है राशन रशीद फाउंडेशन से राशन रशीद सर जो है यहाँ से हमारे पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम से जो है यहाँ से उनके लिए जो है खाने की सामग्री और कुछ पैसे जो है यहाँ से उन्हें भेजे, तो इसी के लिए मैं उनको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जो है हम आपको बता रहे हैं जैसे हमारे ही आइलैंड से एक एनजीओ को जो है जयपुर बुलाया गया और उन्हें जो है सम्मानित भी किया गया। और राशन रशीद जी का बारे में हमने इससे पहले भी काफ़ी आपको बहुत कुछ बताया है, इवन यूथ हो या आइलैंड हो उसके हर मुद्दे में वो बात करते हैं। तो अब जो है हम उन्होंने वहाँ पर क्या कहा और स्टेज पे उन्होंने जो स्पीच दिया उसके बाद उन्होंने न्यूज़ आप तक के लिए एक वीडियो बनाकर भेजा है, आइए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो। बहुत धन्यवाद। बहुत दूर से हमारे बीच पोर्ट ब्लेयर से आए हुए राशन रशीद फाउंडेशन की तरफ से मैं बुलाना चाहूंगा, बड़े सम्मान के साथ में अपनी बात कहें। थैंक यू। वैसे आज बहुत एक अच्छा मौका मिला, इतने दूर पोर्ट ब्लेयर से आने के बाद में पूरा भारत से जो लोग आए थे विभिन्न प्रदेशों से सबसे मिलने का मौका मिला इस मंच पे, तो मैं तहे दिल पर ऑर्गेनाइजर्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौका दिया। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया ब्लड बैंक के ब्लड डोनेशन के बारे में, तो मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एक बात बताऊंगा। मैं वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ, राशन रशीद फाउंडेशन मेरा एक एनजीओ है, उसमें मैं जुड़ा हूँ, मिस्टर सैकेत बिस्वास है हम लोग डायरेक्टर है, ये कोविड के समय स्टार्ट किया था। ब्लड रिलेटेड हमारा एक एनजीओ है ब्लड टू सपोर्ट F2S, इसमें हम लोग काम करते हैं, हम लोग बेसिकली नीडी के लिए ही काम करते हैं और हम लोग कैंप्स को अवॉइड करते हैं। हमारा अंडमान जो है वो बहुत ही छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, नियर अबाउट 500 प्लस आइलैंड्स है, उसमें से सिर्फ 30 या 35 लोग आइलैंड में ही लोग रहते हैं और कनेक्टिविटी बहुत दूर दूर है, या तो पानी के जहाज से जाना पड़ता है। और हमारा ब्लड बैंक सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में दो हॉस्पिटल है, एक
जीबी पंत और एक पिल्ला। जीबी पंत जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वही एकमात्र हमारा रेफरल हॉस्पिटल है, वही एक ब्लड बैंक से हमारा काम होता है। तो हम लोग कैंप को इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हम लोग ब्लड जब ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं ब्लड। हमारे पास में F2S के पास में मोर देन 1000 वॉलेंटियर्स है। जैसा पेशेंट का रिक्वायरमेंट रहता है वैसे ही हमारा वॉलेंटियर जाता है, ब्लड डोनेशन करता है। और हमारा वॉलेंटियर सिर्फ ब्लड डोनेशन करने तक हमारा काम नहीं रहता है, ब्लड डोनेशन करने के बाद में उस पेशेंट को पूरा केयर, उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको भी हमारा कोऑर्डिनेटर देखता है। वैसे हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे कोविड के दौरान में हमारा अंडमान निकोबार का जो ब्लड बैंक था वो कभी खाली नहीं हुआ और कभी हमको ब्लड का क्राइसिस नहीं हुआ क्योंकि हमारा आइलैंडर्स इतना उसको सपोर्ट किया, स्वेच्छा से आके ब्लड दिया। और खास तौर पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन का फर्स्ट लॉट था, अभी हम सबको मालूम है कि कितना मुश्किल का वो दौर था, तो उस समय हमारे जो F2S का वॉलंटियर्स है उन्होंने अपना वैक्सीनेशन को कैंसिल करवाया। क्योंकि उस टाइम पे एक बार जब आपको कोविड का वैक्सीनेशन लग जाता था तो फिर आपको 15-20 दिन तक आप ब्लड नहीं दे पा रहे। वर्ल्ड वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे के उपलक्ष्य में यहाँ जयपुर में एक ब्लड डोनेशन कॉन्क्लेव NGO कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और बहुत ही खुशी का एक बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ से राशन मशीन फाउंडेशन ने इसमें भाग लिया है और यहाँ पे हमें फेलिसिटेट भी किया गया है, फेलिसिटेशन भी किया गया है। और बहुत ही यहाँ पे DG हेल्थ मौजूद थे और कई सारे NGO देश भर से आए, बहुत सारे NGO के साथ में यहाँ पे हमें बहुत कुछ नई नई चीज़ें जानने का भी एक मौका मिला। और हर एक देश के हर एक प्रांत से लोग कैसे ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेशन किस दिशा में जा रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जानने का मौका मिला। और ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का बात है, पूरा आइलैंडर्स के लिए गर्व का बात है कि यहाँ पे जयपुर में वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कॉन्क्लेव 2014 में अंडमान की तरफ से राशन रशीद फाउंडेशन को सम्मानित किया गया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहें ब्लड डोनेशन के लिए। और ख़ासतौर पर मैं F2S का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। F2S हमारा आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेडली टोटली ब्लड डोनेशन के लिए ही काम करता है और ब्लड डोनेशन के साथ साथ में लोगों को एजुकेट करने का भी काम करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। और उम्मीद है कि आगे हमारा आइलैंड भी ब्लड का जो कमी है उसमें कभी ना जाए, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चले और सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और ब्लड डोनेशन में अपना योगदान दें।